हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई हेल्प सियोम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कानपुर यूनिवर्सिटी के एक न्यू नोटिस के बारे में। CSJMU का नया नियम लागू हुआ है, क्या है अपडेट, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप कानपुर यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो आप सभी के लिए माई हेल्प सियोम यूट्यूब चैनल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टेलीग्राम से अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। और बहुत सारे लोग टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई अपडेट नहीं मिलती है, तो टेलीग्राम पे जुड़ने का कोई मतलब नहीं। तो अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन हो कि आपके सामने 1000 लोग लगातार आपसे बात कर रहे हैं, तो आप किस किस का जवाब दोगे? तो ऐसा भी हमारे पास है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ कमेंट करते हैं, जिससे आप सभी के कमेंट मैं रीड नहीं कर पाता हूं एक साथ, तो रिप्लाई कैसे मैं दे सकता हूं? इंस्टाग्राम पे हो गया, टेलीग्राम पे हो गया, यूट्यूब पे अलग लोग कमेंट करते हैं, तो मैं अगर रिप्लाई देने लगूंगा तो दिन भर में रिप्लाई ही देता रहूंगा, वीडियो भी नहीं बना पाऊंगा। यहां पर हम बात करते हैं जो नया नियम स्टूडेंटों के लिए यहां पर लागू हुआ है। 0 अंक वाले भी यहां पर पास होंगे CSJMU की, बल्ले बल्ले यहां पर CSJMU के जो भी छात्र हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यहां पर आ चुकी है। और अलग अलग न्यूज़पेपर पे ये नोटिस भी आ चुकी है। यहां पर देखेगा एग्जाम में 0 पाने वाले भी कर दिए जाएंगे पास। उसके साथ ही में यहाँ पर देखिएगा अलग नोटिस, एक और भी यहाँ पर अलग न्यूज़पेपर की कटिंग है। देखिएगा 0 अंक वाले छात्र भी होंगे पास। तो ये अलग अलग न्यूज़पेपर की कटिंग है। इन सभी में जो मेन मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट जो डिटेल है, उसको मैंने नोट करके रखा हुआ, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आप सभी को बताऊंगा। बाकी न्यूज़पेपर में भी वही आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको सारी जानकारी जो मेन मेन पॉइंट नोट करके रखा हुआ है उसको यहाँ पर हम आप सभी को बताते हैं। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर ने उन हजारों छात्रों को राहत दी है जिन्होंने इंटरनल परीक्षा में 0 अंक प्राप्त किए थे। विश्वविद्यालय अब इन छात्रों को औसत अंक प्रदान करेगा। ये छात्र वे हैं जो या तो विश्वविद्यालय या कॉलेज की गलती से अनुपस्थित रहे या जिन्हें गलती से 0 अंक दिए गए, यानी कि जो लोग अनुपस्थित रहे हैं या गलती से जिन्हें यूनिवर्सिटी की तरफ से 0 अंक मिले हैं, उन छात्रों के लिए है। और यहाँ पर देखिएगा छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर इससे जुड़े 6 जिलों के 612 कॉलेजों में स्नातक और परास्नातक पर कई छात्र ऐसे हैं जिनके इंटरनल अंकों के बिना उनके परिणाम रोके गए या अधूरे जारी हुए। इसमें कई छात्र ऐसे हैं जिन्होंने इंटरनल परीक्षा दी थी लेकिन गलती से उनके अंक दर्ज नहीं किए गए और अनुपस्थित करार दे दिए गए। ऐसे छात्रों को अपने अंक सही कराने के लिए विवि और कॉलेज के चक्कर काटने पड़े लेकिन उनके अंक ठीक नहीं किए गए, यानी कि कॉलेज और विवि के चक्कर लगातार छात्र काट रहे थे लेकिन उनके अंक यहाँ पर ठीक नहीं किए गए हैं। हाल ही में छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर की परीक्षा समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि इन छात्रों को औसत अंक दिए जाएंगे। परीक्षा नियंत्रक राकेश कुमार ने बताया है कि 0 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को औसत अंक प्रदान किए जाएंगे। जिन छात्रों को पहले से ही कुछ अंक प्राप्त हैं उन्हें औसत अंक नहीं मिलेंगे, यानी कि जिनको पहले से कुछ नंबर मिले हैं उनको नहीं मिलेंगे, जिनको 0 नंबर है उनको यहाँ पर पास वगैरह किया जाएगा औसत अंक देकर। औसत अंक उन विषयों के अंकों के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे जो छात्र ने प्राप्त किए हैं। तो ये अपडेट थी। यहाँ पर देखेगा स्नातक के 5वें और 6ठे सेमेस्टर में फेल हुए छात्रों के लिए विश्वविद्यालय ने स्पेशल सप्लीमेंट्री पेपर कराने का निर्णय लिया है। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था, आज इसकी लास्ट डेट है। अगर आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा तो आज इसकी लास्ट डेट है, 12 बजे तक भर दीजिएगा, अन्यथा ये डेट इंडो हो जाएगी। बाकी आगे डेट बढ़ती है या नहीं इसके बारे में जब नोटिस आएगा तो आप सभी को वीडियो बना के बता दूंगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।